Good morning students, how are you all? Today in this video I am going to teach you chapter 1st of Snapshot, which is The Summer of the Beautiful White Horse. It is written by William Saroyan. Alright, तो चलो थोड़ा सा William Saroyan के बारे में जान लेते हैं. William Saroyan, August 31, 1908 to May 18, 1981, was an American dramatist and author. एक अमेरिका के थे, ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे और एक ऑथर थे. ही वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज़ फॉर ड्रामा इन 1940, यानी 1940 में इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था ड्रामा के लिए. एंड इन 1943 वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी फॉर द फिल्म अडेप्टेशन ऑफ हिज नोवल द ह्यूमन कॉमेडी, यानी अपने नोवल ह्यूमन कॉमेडी के लिए इनको 1943 का अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी दिया गया था, ठीक है. एन आर्मीनियन अमेरिकन, सरोयान रोट एक्सटेंसिवली अबाउट आर्मीनियन इमिग्रांट लाइफ इन कैलिफोर्निया, यानी ये खुद भी आर्मीनियन अमेरिकन थे और ये बहुत ज़्यादा लिखा करते थे. किसके बारे में? आर्मीनियन इमिग्रांट की जो लाइफ थी कैलिफोर्निया के अंदर, उसके बारे में लिखा करते थे बहुत ज़्यादा. मैनी ऑफ स्टोरीज एंड प्लेज आर सेट इन इस नेटिव फ्रेशनो, यानी इनकी बहुत सारी स्टोरीज और प्ले कहाँ पर हैं, सेट हुए हैं नेटिव फ्रेशनो में, यानी उनके खुद के प्लेस. फ्रेशनो एक्चुअली में इज अ सिटी इन साउथ सेंट्रल कैलिफोर्निया, ठीक है. तो मोस्टली प्लेज की और स्टोरीज की जो सेटिंग है वो कहाँ की है? फ्रेशनो की है. सम ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर द टाइम ऑफ योर लाइफ, माई नेम इज आयरम, ठीक है, एंड माई हार्ट्स इन द हाईलैंड, ठीक है. चलो थोड़ा सा देख लेते हैं आर्मीनिया क्या है, गैरोग्लिनियन फैमिली क्या है. आर्मीनिया इज अ टाइनी नेशन, टाइनी नेशन है बिटवीन जॉर्जिया ऑन द वेस्ट एंड अजरबैजान ऑन द ईस्ट, ठीक है, जिसके वेस्ट में क्या है, जॉर्जिया है एंड अजरबैजान, बिटवीन जॉर्जिया ऑन द वेस्ट एंड अजरबैजान ऑन द ईस्ट, यानी वेस्ट में क्या है, जॉर्जिया है एंड अजरबैजान ऑन द ईस्ट, ठीक है. देर इज द ब्लैक सी ऑन इट्स वेस्ट, इसके वेस्ट में क्या है, ब्लैक सी है, एंड कैस्पियन सी ऑन इट्स ईस्ट, और इसके ईस्ट में क्या है, कैस्पियन सी है, फाइन. अच्छा, गैरोग्लिनियन फैमिली क्या है? एन ओल्ड प्रोबेबली अ फिक्सीशियस आर्मीनियन फैमिली, एक फिक्सीशियस आर्मीनियन फैमिली है, ठीक है. इट वॉज वंस फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी बट एट प्रेजेंट इट इज ट्रगलिंग अंडर पॉवर्टी, यानी वंस इट वॉज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी, कभी ये किसके लिए फेमस थी, ऑनेस्टी के लिए, बट एट प्रेजेंट इट इज ट्रगलिंग अंडर पॉवर्टी, लेकिन प्रेजेंटली ये संघर्ष कर रही है पॉवर्टी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी में जीवन जी रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं. इवन अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी द गैरोग्लिनियन फैमिलीज आर नॉन फॉर ऑनेस्टी, यानी इतनी गरीबी में होने के बावजूद भी गैरोग्लिनियन फैमिलीज को किसके लिए जाना जाता है, ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, ठीक है. चलो थोड़ी सी लोकेशन देखते हैं, थीम देखते हैं पहले, तो लोकेशन हो गई. द थीम ऑफ द नैरेटिव इज द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, यानी जो नैरेटिव की जो थीम है ना वो क्या है, परिवर्तन की अपरिहार्यता. दैट चैलेंजेस ट्रेडिशंस एंड लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स, जो क्या करती है, चैलेंज करती है लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स को और ट्रेडिशंस को, ठीक है. द गैरोग्लिनियन ट्राइब वॉज ऑलवेज नॉन फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड स्टिल द ओल्डर जनरेशन ऑफ द इम्पोवरिश ट्राइब्स अपहोल्ड देयर ट्रेडमार्क ऑनेस्टी बट द न्यू वंस आर नो मोर रेडी टू प्रिटेंड, यानी गैरोग्लिनियन फैमिली की, गैरोग्लिनियन जो ट्राइब थी ना उसे जाना जाता था किसके लिए, ऑनेस्टी के लिए, और अभी भी ये जनरेशन पूरी, पुरानी जनरेशन की अगर बात करें तो अच्छे से मानती है, यानी ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं. हालांकि इम्पोवरिश ट्राइब है, यानी गरीबी में जीवन जीने वाली ट्राइब है, लेकिन इनका ट्रेडमार्क और हॉलमार्क क्या है, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, और वो अपहोल्ड करते रहते हैं उसको, ठीक है. बट द न्यू वंस आर नो मोर रेडी टू प्रिटेंड, लेकिन जो नई जनरेशन है ना वो इस तरह के ट्रेडमार्क को मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है. इनफैक्ट देयर वर ऑलरेडी एलिमेंट्स इन द फैमिली, अगर देखा जाए ना तो वाकई में कुछ फैमिली के अंदर ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्हें हम ब्लैक शीप कह सकते हैं, अवांछनीय व्यक्ति कह सकते हैं, जैसे कि मुराद और एरम, ठीक है, हु क्वेश्चन्ड एंड थ्वार्टेड देयर ट्रेडिशनल वर्च्यू, जिन्होंने क्या कर दिया, प्रश्न चिन्ह लगवा दिया अपने उस पर, ट्राइब पर, ठीक है. एक तरीके से क्या कर दिया इन्होंने, रोक दिया, ठीक है, देयर ट्रेडिशनल वर्च्यूज टू एम्बार्क द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का जितना भी प्लेजर है उसका एंजॉय करने के लिए इन्होंने अपनी गैरोग्लिनियन ट्राइब का जो
ट्रेडिशनल वर्च्यू था उस पर क्वेश्चन मार्क लगवा दिया। किस किस ने लगवा दिया क्वेश्चन मार्क? एरम और मुराद जैसे लड़कों ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी लोकेशन देख सकते हैं मैप पे यहाँ पर। ठीक है, समरी देखते हैं अब। मुराद अ यंग बॉय ऑफ द गैरोग्लिनन फैमिली स्टील्स अ वाइट हॉर्स दैट बिलोंग्ड टू अ फार्मर जॉन बायरो। यानी एक यंग लड़का है मुराद, जिसका नाम है गैरोग्लिनन फैमिली का है, जो किसी जॉन बायरो नाम के फार्मर के वाइट हॉर्स को क्या कर लेता है? चुरा लेता है। ठीक है, बिलीविंग दैट दिस एक्ट ऑफ यूजिंग समवंस हॉर्स वॉज नॉट स्टीलिंग, यानी ये बिलीव करके कि हॉर्स को राइडिंग के लिए चोरी करना चोरी नहीं है। फिर से समझिए, बिलीविंग दैट दिस एक्ट ऑफ यूजिंग समवंस हॉर्स वॉज नॉट स्टीलिंग, यानी ये बिलीव करके कि इस तरीके से हॉर्स को यूज करना कोई चोरी नहीं है। ही राइड्स द हॉर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिड इट इन अ बार्न। वो क्या नाम है, हॉर्स की राइडिंग करता है। ठीक है, हॉर्स राइडिंग करता है एंड हिड इट इन अ बार्न, और इसको क्या कर देता है, एक बार्न में छुपा देता है। हिड का मतलब छुपा देना। वन ही हैड इनफ ऑफ द हॉर्स राइड, जब उसने पर्याप्त हॉर्स राइडिंग कर ली थी, मुराद अलाउज हिज कजन एन कजन एरम टू राइड द हॉर्स। वो अलाउ करता है, वो इनवाइट करता है एक तरीके से अपने कजन एरम को राइड करने के लिए। ठीक है, एरम नरेटर है। कौन है एरम? नरेटर है, और विलियम सरोयन क्या है? ऑथर है। ठीक है, दो इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एरम, हॉर्स राइडिंग वॉज नॉट दैट ईजी फॉर हिम। ठीक है, वाइल दिस फन राइड वेंट ऑन, जब ये फन राइड चली रही थी, द ओनर ऑफ द हॉर्स केम टू एरम्स पार्टनर एंड सेड हाउ, सॉरी ओरम द ओनर ऑफ द हॉर्स केम टू एरम्स पेरेंट्स, एरम के पेरेंट्स के पास आया एंड सेड हाउ टेरिबली ही हैड लॉस्ट हिज हॉर्स एंड एक्सपेक्टेड देम टू गेट द हॉर्स फॉर हिम। यानी वो कह रहा था कि किस तरीके से बुरी तरह से ही हैड लॉस्ट हिज हॉर्स, अपने हॉर्स को खो चुका है, एंड एक्सपेक्टेड देम टू गेट द हॉर्स फॉर हिम, और उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके हॉर्स को क्या कर लेंगे, ढूंढ निकालें कहीं से। ठीक है, एरम हर्ड दिस एंड इन्फॉर्म्ड मुराद ऑफ जॉन बायरो, यानी एरम इस चीज़ को सुन लेता है और पूरी की पूरी कहानी को जाकर के किसको इन्फॉर्म कर देता है, अपने कजन को कर देता है। ठीक है, मुराद इग्नोर दिस, मुराद इसको इग्नोर कर देता है एंड द हॉर्स राइड प्रोग्रेस्ड, और हॉर्स राइडिंग कंटिन्यू चलती रहती है। वन डे वाइल टेकिंग द हॉर्स टू इट्स हाइडिंग प्लेस, एक बार क्या हुआ था कि जब वो अपने हॉर्स को छुपाने के प्लेस पर ले जा रहे थे, द बॉय स्टॉप्ड शॉक्ड एट द साइट ऑफ द डेस्परेट फार्मर जॉन बायरो कमिंग अगेंस्ट दैम। यानी उनके सामने से कौन आ रहा था? जॉन बायरो आ रहा था, उसको देख करके वो क्या हो गए, डेस्परेट हो गए एंड वो रुक गए। ठीक है, द गुड फार्मर एग्जामिंड इज लॉस्ट हॉर्स, गुड फार्मर ने अपने खोए हुए हॉर्स को क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। दैट द हॉर्स लुक्ड क्लोजली लाइक इट्स ओन, कि बिल्कुल उसके दूसरे हॉर्स के जैसा लग रहा है, यानी उसके खुद के हॉर्स के जैसा लग रहा है। बट ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बॉय हैड स्टोलन हिज हॉर्स बिकॉज अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लिनन फैमिली कुड नॉट स्टील। यानी पता ही है कि गैरोग्लिनन फैमिली किसके लिए जानी जाती थी, गैरोग्लिनन फैमिली वॉज नॉन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, और उसे ये पता था कि गैरोग्लिनन फैमिली का कोई भी बंदा जो चोर नहीं हो सकता, इसीलिए उसने ये विश्वास करने से मना कर दिया कि हॉर्स उसका है, हालांकि हॉर्स पूरी तरह से उसी का था। ठीक है, हियरिंग दिस द टू बॉयज फेल्ट एक्सट्रीमली गिल्टी फॉर देयर एक्ट ऑफ स्टीलिंग, इस बात को सुनकर के दोनों बच्चों को थोड़ा सा गिल्ट हुआ अपना अपने इस कृत्य पर, चोरी करने के कृत्य पर। कंसिक्वेंटली दे रिटर्न द हॉर्स, परिणाम ये निकला कि उन्होंने हॉर्स को क्या कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी समरी। ऑलराइट।